वृंदावन सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहता था। सभी उनकी लीलाओं का स्मरण करते थे और सदैव दिव्य आनंद के सागर में डूबे रहते थे। किंतु ये भौतिक जगत इतना दूषित है कि असुर वृंदावन में भी वहां की शांति भंग करने का प्रयास करते रहते थे। एक बार अरिष्टासुर नामक एक असुर ने सांड के रूप में वृंदावन में प्रवेश किया। उसका शरीर और सींग अत्यंत विशाल थे। अपने खुरों से धरती को खोदता हुआ वो वृंदावन में प्रविष्ट हुआ। जब उस राक्षस ने वृंदावन में प्रवेश किया तो सारी धरती ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। उसने भयंकर गर्जना की और नदी के तट की भूमि को खोद डाला। तत्पश्चात उसने गांव के मुख्य भाग में प्रवेश किया। उस सांड की तीव्र भयानक गर्जना के कारण कुछ गर्भवती गायों और स्त्रियों के गर्भ गिर गए। उसका शरीर अत्यंत विशाल, सुदृढ़ और इतना बलशाली था कि उसके शरीर पर एक मेघ ऐसे मंडराने लगा जैसे मेघ पर्वत पर मंडराते हैं। अरिष्टासुर ने इतने भयानक रूप में वृंदावन में प्रवेश किया कि उसे देखने मात्र से सब नर नारी भयभीत हो गए और गाय व अन्य पशु ग्राम छोड़कर भाग गए। स्थिति इतनी भयंकर हो गई और वृंदावन के सब निवासी अंतर्नाद कर उठे, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो। कृष्ण ने गायों को भागते हुए देखा और तत्काल उत्तर दिया, डरो मत, डरो मत। फिर उन्होंने अरिष्टासुर के समक्ष उपस्थित होकर कहा, तुम जीवात्माओं में निकृष्टतम हो। तुम गोकुल के निवासियों को क्यों भयभीत कर रहे हो? तुम्हें इस कार्य से क्या प्राप्त होगा? यदि तुम मेरी सत्ता को चुनौती देने के लिए आए हो तो मैं तुमसे युद्ध करने को तत्पर हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस असुर को चुनौती दी। उनके इन शब्दों को सुनकर वो असुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। श्री कृष्ण अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर उस सांड के सामने खड़े थे। क्रोधित सांड श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगा। अपने खुरों से धरती खोदते हुए अरिष्टासुर ने अपनी पूंछ ऊपर उठाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेघ उसकी पूंछ पर मंडरा रहे हों। उसके नेत्र लाल थे और क्रोध से इधर उधर घूम रहे थे। अपने सींगों को श्री कृष्ण की ओर करके उसने इंद्र के वज्र की भांति उन पर आक्रमण कर दिया। किंतु कृष्ण ने तत्काल ही उसके सींग पकड़कर उसे उठाकर दूर फेंक दिया, जैसे एक विशालकाय हाथी एक लघु विरोधी हाथी को दूर फेंक देता है। वैसे तो वह असुर अत्यंत थका हुआ प्रतीत होता था और पसीने से लथपथ था, फिर भी वो साहस करके उठा। उसने अत्यधिक क्रोधित होकर वापस श्री कृष्ण पर अत्यंत वेग से आक्रमण किया। श्री कृष्ण की ओर दौड़ते हुए वो दीर्घ श्वासें ले रहा था। श्री कृष्ण ने वापस उसके सींगों को पकड़कर और तत्काल उसे धरती पर पटक दिया, जिससे उसके सींग टूट गए। तदुपरांत श्री कृष्ण उसके शरीर पर इस प्रकार पदाघात करने लगे जैसे कोई गीले वस्त्रों को धरती पर निचोड़ता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के पदाघात करने से अरिष्टासुर उलट गया और तीव्रता से अपने पैर चलाने लगा। उसके नेत्र पथरा गए। रक्तस्राव करता हुआ तथा मलमूत्र का त्याग करता हुआ वो यमलोक को सिधार गया। इस आश्चर्यजनक उपलब्धि के लिए देवगण स्वर्गलोक से कृष्ण पर पुष्प वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण पहले से ही वृंदावन निवासियों के सर्वस्व थे। सांड रूपी इस असुर का उद्धार करने के पश्चात वो सबकी आंखों का तारा बन गए। विजय पाने के बाद उन्होंने बलराम सहित ग्राम में प्रवेश किया। ग्रामवासियों ने अत्यंत आनंद पूर्वक उनका और बलराम जी का यशगान किया। किसी के द्वारा कोई आश्चर्यजनक कार्य संपादित करने पर उसके बंधु बांधव, संबंधी और मित्र स्वाभाविक रूप से अत्यंत हर्षित होते हैं। इस घटना के पश्चात ही श्री नारद मुनि ने कंस के घर में प्रवेश किया। श्री नारद मुनि को देव दर्शन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि देवगण अथवा उनके स्तर के व्यक्ति ही श्री नारद मुनि का दर्शन कर सकते हैं। किंतु श्री नारद मुनि कंस के पास गए, जिसे देवताओं के स्तर का ना होते हुए भी श्री नारद मुनि ने दर्शन दिए। निसंदेह कंस ने तो श्री कृष्ण के भी दर्शन किए, फिर नारद मुनि का क्या ही कहना। साधारणतया श्री भगवान एवं उनके भक्तों का दर्शन करने के लिए शुद्ध दृष्टि होनी आवश्यक है, अन्यथा वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। किंतु ये भी सत्य है कि किसी शुद्ध भक्त से संपर्क होने पर एक इंद्रियातीत लाभ होता है, जिसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। जिसे ये लाभ होता है वो ये नहीं समझ पाता कि उसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, फिर भी वो प्रभु के भक्त के दर्शन मात्र से प्रगति करता है। श्री नारद मुनि का ध्येय कार्य को शीघ्रता शीघ्र समाप्त करना था। श्री कृष्ण
असुरों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे और कंस असुरों में प्रमुख था। श्री नारद मुनि घटनाओं की गति में तीव्रता लाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वो समस्त वास्तविक वृत्तांत के साथ कंस के पास गए। नारद जी ने कंस को बताया, वासुदेव जी का आठवां पुत्र तुम्हें मारेगा और वो आठवां पुत्र श्री कृष्ण है। वासुदेव जी ने अपनी आठवीं संतान को लड़की बताकर तुम्हें भ्रमित किया है। वास्तव में वो कन्या नंद महाराज की पत्नी यशोदा की पुत्री थी। वासुदेव जी ने उस कन्या को श्री कृष्ण से बदल दिया था, जिससे तुम्हें भ्रांत किया गया। बलराम जी की भांति श्री कृष्ण भी वासुदेव जी के ही पुत्र है। वासुदेव जी तुम्हारे दुष्ट भाव से भयभीत है, इसलिए उन्होंने चतुराई से अपने पुत्रों को तुम्हारी दृष्टि से दूर वृंदावन में छुपा दिया है। श्री कृष्ण और बलराम जी अज्ञात रूप से नंद महाराज की छत्र छाया में रह रहे हैं। तुम्हारे साथी सभी असुर जिनको तुमने विभिन्न बालकों को मारने के लिए वृंदावन भेजा था, श्री कृष्ण और बलराम जी के द्वारा मारे गए हैं। श्री नारद मुनि से ये वृतांत प्राप्त होते ही कंस ने अपनी धारदार तलवार निकाली और इस कपट के लिए वो वासुदेव जी को मारने के लिए तत्पर हो गया। किंतु श्री नारद मुनि ने उसे शांत किया, तुम्हें मारने वाले वासुदेव जी नहीं है, फिर उन्हें मारने को क्यों आतुर हो? अच्छा ये होगा कि तुम श्री कृष्ण और बलराम जी की हत्या करने का प्रयास करो। किंतु अपने क्रोध को शांत करने के लिए कंस ने वासुदेव जी और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया और उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया। श्री नारद मुनि द्वारा प्राप्त ताजा जानकारी पर कार्य करते हुए कंस ने तत्काल केशी नामक असुर को बुलाया और श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए उसे वृंदावन भेज दिया। वास्तव में कंस ने केशी को वृंदावन इसलिए भेजा था कि श्री कृष्ण और बलराम के हाथों उसका उद्धार हो और इस प्रकार वो मोक्ष प्राप्त करे। इसके बाद कंस ने अपने कुशल मल्ल योद्धाओं को बुलाया। उसने उनसे कहा, प्रिय मित्रों मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। वृंदावन में नंद महाराज के भवन में दो भाई रहते हैं, उनके नाम श्री कृष्ण और बलराम है। वो दोनों वास्तव में वासुदेव जी के पुत्र है। जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होने वाली थी। अब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम एक मल्लयुद्ध का आयोजन करो। देश के विभिन्न भागों से लोग ये उत्सव देखने आएंगे। मैं उन दोनों बालकों को यहाँ बुलवाने का प्रबंध कर दूंगा। तुम लोग मल्लयुद्ध की रंगभूमि में उनका वध करने का प्रयास करना। उत्तर भारत में मल्लयुद्ध अभी भी लोकप्रिय है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आज के 5000 वर्ष पूर्व भी मल्लयुद्ध लोकप्रिय था। कंस ने भी मल्लयुद्ध का आयोजन किया तथा लोगों को उसमें आमंत्रित करने की योजना बनाई। उसने महावतों से भी कहा, कुवल्यापीड़ नामक हाथी को अवश्य लाओ और उसे रंगभूमि के द्वार पर रखो। श्री कृष्ण और बलराम के आते ही उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करो और हाथी द्वारा उनका वध करवा दो। कंस ने अपने मित्रों को पशु बलि द्वारा शिवजी की पूजा एवं धनुर्यज्ञ का आयोजन करने का भी परामर्श दिया। उसने उन्हें चतुर्दशी का यज्ञ संपन्न करने को कहा। ये तिथि एकादशी के 3 दिन बाद आती है और शिवजी की आराधना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। शिवजी का एक अंश काल भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध है। असुरगण शिवजी के इसी रूप की उपासना करते हैं और उनके समक्ष पशु बलि देते हैं। वैद्यनाथ धाम नामक स्थान पर ये प्रथा अभी भी प्रचलित है। असुर लोग वहां काल भैरव की मूर्ति के समक्ष पशु बलि देते हैं। कंस भी इसी असुर समूह में से एक था। वो एक चतुर कटु नीतिज्ञ भी था, इसलिए उसने अपने असुर मित्रों के द्वारा श्री कृष्ण और बलराम के वध का शीघ्र ही प्रबंध कर लिया। तत्पश्चात उसने अक्रूर को बुलाया, जो उसी यदुवंश के वंशज थे जिसमें श्री कृष्ण ने वासुदेव पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जब अक्रूर जी कंस से भेंट करने आए, कंस ने उनका विनय पूर्वक स्वागत किया। कंस ने उनसे कहा, प्रिय अक्रूर जी, भोज और यदु राजवंशों में आपसे श्रेष्ठ मेरा अन्य कोई मित्र नहीं है। आप अत्यंत उदार व्यक्ति हैं, इसलिए एक मित्र के रूप में मैं आपसे दान की भिक्षा मांगता हूँ। जिस प्रकार राजा इंद्र भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपसे तत्काल वृंदावन जाने का निवेदन करता हूँ। वहां जाकर आप श्री कृष्ण और बलराम नामक दो बालकों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। उन बालकों के लिए ही विशेष रूप से निर्मित ये रथ ले जाइए और उन्हें तुरंत यहाँ ले आइए। मेरी आपसे यही विनती है। मेरी योजना इन दोनों बालकों का वध करने की है। जैसे ही वो मुख्य द्वार से अंदर प्रविष्ट होंगे, कुवल्यापीड़ नामक विशालकाय हाथी उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वैसे तो वो उनकी हत्या कर देगा, लेकिन अगर किसी तरह वो सुरक्षित निकल आए तो फिर उनकी भेंट मल्लयोद्धाओं से होगी। वो योद्धा
अवश्य ही उनकी हत्या कर देंगे। यही मेरी योजना है। इन दो बालकों का वध करने के पश्चात मैं नंद और वासुदेव जी का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वो वृष्णि और भोज राजवंशों के पक्ष में है। मैं अपने पिता उग्रसेन और उनके भाई देवक का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में वो मेरे शत्रु हैं एवं मेरी कूटनीति और राजनीति के मार्ग में बाधक हैं। इस रीति से मैं अपने सभी शत्रुओं से मुक्ति पा लूंगा। जरासंध मेरे श्वसुर हैं और विविध नामक विशाल वानर मेरा मित्र है। उनकी सहायता से मैं देवताओं के समर्थक पृथ्वी के सभी राजाओं की सरलता से हत्या कर दूंगा। यही मेरी योजना है। इस प्रकार मैं सभी विरोधियों से मुक्ति पा लूंगा। तत्पश्चात पृथ्वी पर निर्विघ्न रूप से आनंद पूर्वक राज्य करने में अत्यंत आनंद आएगा। आपको ये भी ज्ञात होगा कि शंबर, नरकासुर एवं बाणासुर मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। जब मैं देवताओं के समर्थक राजाओं से युद्ध प्रारंभ करूंगा, तब वो मेरी अभीष्ट सहायता करेंगे। निश्चय ही मुझे तब शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। कृपया आप तत्काल वृंदावन जाइए और बालकों को यहाँ ले आइए। उन्हें मथुरा के सौंदर्य एवं मल्लयुद्ध प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए यहाँ आने के लिए उत्साहित कीजिए। कंस की इस योजना को सुनकर अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, कूटनीतिक गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने के लिए आपने अत्यंत कुशलता से योजना बनाई है, किंतु आपको विवेक भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी योजना फलदायी हो भी सकती है और नहीं भी। मनुष्य योजना बनाता है, लेकिन उसकी पूर्ति ईश्वराधीन है। हम बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, किंतु जब तक श्री भगवान उसकी अनुमति नहीं देते हैं, वो सब असफल हो जाएंगी। इस भौतिक जगत में सबको पता है कि अलौकिक शक्ति ही परम कर्ता धरता है। अपने उर्वर मस्तिष्क से कोई कितनी ही विशाल योजना क्यों ना बनाए, किंतु उसे ये भी ज्ञात होना चाहिए कि सकाम कर्म के फलस्वरूप दुख या सुख का भागी भी उसे ही होना पड़ेगा। किंतु मुझे आपके प्रस्ताव के विरोध में कुछ नहीं कहना है। एक मित्र के रूप में मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपकी इच्छा के अनुरूप मैं श्री कृष्ण और बलराम जी को यहाँ ले आऊंगा। अपने मित्रों को विविध प्रकार से निर्देश देने के पश्चात कंस ने विश्राम ग्रहण किया और अक्रूर जी वृंदावन चले गए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिचुअल स्टोरीज़।